हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुप सर मैथ्स। मैं आपका अनुप सर। आज हम फिर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31, आरडी शर्मा क्लास 10, चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज 14.1 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है साफ साफ कि इसमें एम्बैकमेंट बनाया है। तो अब ऑब्वियसली एम्बैकमेंट नहीं पता तो गूगल पर सर्च कर लेना बच्चा, व्हाट इज एन एम्बैकमेंट अराउंड ए वेल। देखो, आपने कभी देखा होगा कि एक वेल हो और उसके चारों तरफ एक सीमेंट से बनाया हुआ होता है, बट हमें उसकी बात नहीं करनी है सीमेंट वाले की। हमें कह रहा है कि आपने एक वेल खोदा है, ये आपका वेल है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप वेल को खोदना, डिग करना, ठीक। तो इसमें से जो मिट्टी बाहर आएगी उस मिट्टी को आप इसके चारों तरफ लगा रहे हो। अब ऐसे तो है नहीं कि ये तो आपका बेस हो गया, बेस का मतलब लैंड, लेवल ऑफ लैंड, इसके नीचे ही मिट्टी खोदोगे। तो आप यहाँ पे मिट्टी रखना स्टार्ट करोगे, ऐसे 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 इधर भी ऐसे मिट्टी डालना स्टार्ट करोगे। तो इसके ऊपर साइड बाय साइड ऊपर की तरफ ऐसे एक वापस से आप मिट्टी डालोगे तो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में मिट्टी डलनी स्टार्ट हो जाएगी इसके पास में। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ऐसे इस टाइप से ये बीच वाला हिस्सा खाली रहेगा सर, और यहाँ तक मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी हमने तो ये साइड में एक सिलेंडर टाइप बन जाएगा। समझ रहे हो बात में? तो ये जो ऊपर बना है एक होलो सिलेंडर, जिसमें ये वाला पार्ट तो आपका क्या है, जितना पार्ट है, जितना आपने वेल डिग किया उतना ही पार्ट है, बट इसके चारों तरफ मिट्टी एक सर्कुलर पाथ में डली गई है ना? तो इसको बोलते हैं एम्बैकमेंट। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को? अब हमसे इसी की बात करेगा। अगर विड्थ की बात कर रहा है तो इतनी बात कर रहा है, तो ये पार्ट क्या होता है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर अंदर वाले सर्कल की रेडियस, कैपिटल आर बाहर वाले सर्कल की रेडियस। ये सारी बातें हमसे करेगा। ऑब्वियसली मैंने लास्ट क्वेश्चन में एम्बैकमेंट तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश की थी इसी वे में। और अगर आपको एम्बैकमेंट में थोड़ा सा डाउट हो, देखो ओनली एम्बैकमेंट सर्च मत करना, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। ओनली एम्बैकमेंट ऑन द गूगल, इन द गूगल, बट तुम्हें एम्बैकमेंट विथ वेल या वेल के साथ सर्च करना है तो तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि एम्बैकमेंट क्या बनती है वेल के चारों तरफ। तो मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए वेल विथ इनर रेडियस 4 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। आपने कुआं खोदने की सोची तो आपका ये वेल है, ये वेल आपने डग किया है, डिग किया है कितना 14 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक की आपकी हाइट क्या है, 14 मीटर, और इसकी रेडियस क्या है, 4 मीटर। तो मैं इसको स्मॉल आर से लिख रहा हूँ 4 मीटर, और इसकी हाइट एच लिख रहा हूँ, दैट इज 14 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड ए विड्थ ऑफ 3 मीटर। इसके चारों तरफ हमने मिट्टी फैलाई, तो हमने कहा देखो भाई यहाँ से लेके मिट्टी फैलाओगे तो ऊपर तक जाएगी, ठीक है, और ऊपर तक यहाँ तक आ गई फॉर एग्जाम्पल। और इसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर तक, ठीक है। ये ध्यान रखना वेल के पार्ट के अकॉर्डिंग चलेगी ऊपर तक। फॉर्म एन एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट बना रही है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो ये हाइट कितने ऊपर तक बन गया ये बता दो, तो एच पूछ रहा है हमसे। अब हमारे को यहाँ पे ऊपर वाला सर्कल है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये तो वेल है उतना ही है, बट ये एक्सटर्नल जो है, जितनी दूर में हमने एम्बैकमेंट लगाई है, ये आपकी विड्थ है, दैट इज 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखो भाई, इसके अंदर ये जो होलो सिलेंडर बना है, इसके अंदर मिट्टी कितनी आई होगी, इस पार्ट के अंदर मिट्टी कितनी आई होगी, जितनी हमने इस कुएं से बाहर निकाली होगी। तो इसमें सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वेल जो अपने मिट्टी निकाली वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज इन एम्बैकमेंट। ये बात समझनी पड़ेगी। अब ये जो एम्बैकमेंट होता है ये कैसा बनता है, ये जो आपका एम्बैकमेंट होता है ये वाला, ये बनता है बच्चा होलो सिलेंडर जैसा। कैसा बनता है, होलो सिलेंडर, ठीक है। अब ये बात कई बच्चों की हजम नहीं हो रही तो मैं बता देता हूँ। आपने पानी की पाइप देखी तो पानी की पाइप का इतना पार्ट कट कर लिया अपन एक बार समझने के लिए, तो उसके अंदर जो पानी की पाइप में जो मटेरियल यूज हुआ है प्लास्टिक बनाने में, दैट इज योर होलो सिलेंडर, ठीक है ना। अब वो मटेरियल कहाँ से आया होगा, उस पाइप को कट किया तो उसके नीचे आपने सोचा कि वेल है, तो उस वेल से जितना प्लास्टिक निकाला वो आपने उस पाइप को बनाने में लगा दिया, दैट इज योर होलो सिलेंडर। तो अंदर वाली रेडियस तो हमें पता है सर, स्मॉल आ रही है, बट ये बाहर वाली रेडियस क्या है। तो जो आपका एम्बैकमेंट है उसके अंदर मैं अगर एक आर वन बोलूँ, दैट इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ द वेल, इट इज
4 मीटर। बट मैं अगर कैपिटल आर बोलूं तो वो क्या होगी, स्मॉल आर प्लस विड्थ ऑफ द एम्बैकमेंट, दैट इज 4 + 3 = 7 मीटर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए भाई तुम्हारे को। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे आगे वाले क्वेश्चन में भी आ सकती है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन एम्बैकमेंट से रिलेटेड है। तो हमें पता क्या चल गया, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट दैट इज द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ पे R1 है। और वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल कैसा होगा तुम्हारा, ये जो वेल बनेगा ये सिलेंडर जैसा बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, और यहाँ पे मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ क्योंकि एम्बैकमेंट की हाइट अपन ने कैपिटल एच बोली। पाई से पाई कैंसिल कर दो, स्मॉल आर की वैल्यू 4 स्क्वायर, एच की वैल्यू 14 है, इक्वस टू कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस R1 है 4 स्क्वायर इंटू एच, तो इनको तो सोल्व नहीं करेंगे, 4 × 4 × 14 रहेगा और ये हो जाएगा 49 − 16 × h। क्या बात क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? ठीक है, अब 49 − 16 कितना होता है, 33, तो आप इसको लिखेंगे 4 × 4 × 14 इक्वल्स टू 33 h, और h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 × 4 × 14 / 33। ऑब्वियसली कोई रास्ता नहीं है, अपने को सोल्व ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 4 आएगा, डिवाइड बाई 33 हो जाएगा बच्चा, तो ये आंसर आएगा 6.787, जिसको आप 6.79 भी लिख सकते हैं मीटर। ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी, बाकी कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हारे को कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। देखो अगर एक बात में, पहली बात तो अगर किसी बच्चे को एम्बैकमेंट दिक्कत कर रही है तो वो समझना है, दूसरी बात ये समझनी सर एम्बैकमेंट क्या होता है, एक होलो सिलेंडर जैसा होता है और उस होलो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, जितनी हम मिट्टी निकालेंगे उसके इक्वल होगी। मिट्टी कहाँ से निकाल रहे हैं, वेल से निकाल रहे हैं, तो वेल ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेल होलो सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी, और उसको हम सोल्व करेंगे। बस हमें स्मॉल आर कैपिटल आर ये सब समझना पड़ेगा बस। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई गई होगी। चलो फर्दर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने ये रहा। वापस से कह रहा है ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, डायमीटर देखना, इज डग 14 मीटर डीप, तो ओब्वियसली हमारे पास वेल है, उस वेल की रेडियस 3/2 मीटर हो जाएगी क्योंकि डायमीटर गिवन है, और उसकी हाइट हमारे पास 14 मीटर हो जाएगी। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 4 मीटर, तो हमारे पास एक एम्बैकमेंट गिवन है। क्या गिवन है, एम्बैकमेंट, जिस एम्बैकमेंट की विड्थ क्या गिवन है बच्चा, 4 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ, ऑब्वियसली हाइट पूछ रहा है, तो इसमें एक तो R1 होता है और एक कैपिटल आर होता है। R1 क्या है, जो हमें स्मॉल आर है, विड्थ ऑफ द वेल, सॉरी विड्थ बोलो या फिर रेडियस, रेडियस बोलो वेल की, विड्थ तो डायमीटर हो जाती है, और कैपिटल आर क्या होगी, R1 प्लस विड्थ दैट इज 4, तो 3/2 + 4, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, 4 × 2 = 8, तो 3 + 8 / 2 दैट इज 11/2, इतना ही रख लो इसको मीटर में। ओके नाउ अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, एच कैलकुलेट करना है, कैपिटल एच दैट इज द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो हमें सिंपल सी बात पता है सर, वॉल्यूम ऑफ वेल इट इज सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट या अर्थ यूज इन या अर्थ स्प्रेड इन एम्बैकमेंट, ऐसे भी बोल सकते हो। ओके एम्बैकमेंट तो समझ में आ गया, दोबारा डायग्राम बनाओ। आपके पास देखो एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, ये सेम टू सेम डायग्राम आपको गूगल पे मिल जाएगा, बस समझने की देरी है कि एम्बैकमेंट होता क्या है। ये तो हो गया अपना एम्बैकमेंट, और यहां से नीचे जो है वो अपना वेल है, बस ये समझना। नाउ वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल R1 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। पाई से पाई फिर से कैंसिल, आर स्क्वायर दैट इज 3/2 होल स्क्वायर इंटू एच इज 14 इक्वल्स टू इट इज 11/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। इसको हमें सोल्व करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साइड में चलते हैं। कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं है, चलो
इसको मैं 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 40, 4 × 14 इक्वल्स टू 121 डिवाइड बाई 4 माइनस 9/4 इंटू एच। तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से 2 से कटेगा 2 और ये आएगा 7। तो मल्टीप्लाई नहीं करना, एक बार 9 × 7/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 121 माइनस 9 कितना आएगा भाई, 121 माइनस 9 एलसीएम लोगे ना, 121 माइनस 9 डिवाइड बाई 4 इंटू एच, और 121 में से अगर मैं 9 माइनस करता हूँ तो मेरे हिसाब से 12 आ रहा है ना, 121 माइनस 9 करूँगा तो 12 आएगा, यस 112। और ये आएगा 9 × 7/2 इक्वल्स टू 112/4 इंटू एच। आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी देखो 9 × 7 × 4 डिवाइड बाई 112 × 2। ओके कैंसिल कर लो, 2 से इसको कैंसिल किया 2 आया, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 × 4 = 56 और 7 × 8 = 56, तो आंसर आ गया बच्चा 9/8 मीटर। यही आर डी शर्मा में हमें आंसर गिवन है 9/8 मीटर, दैट इज द हाइट। डेसिमल में कर सकते हो कर लो, बट इसमें ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा आपकी नज़रों के सामने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर। देखो आपके पास एक क्यूब है, तो पहले बेसिकली क्यूब बनाते हैं, ये हमारे पास एक क्यूब होने वाली है, थोड़ा सा इसके ऊपर नहीं जाना कि ये कैसी क्यूब बना दी सर आपने, ये क्यूब बनाई मैंने, क्यूब तो समझ गए ना जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। इसमें से मुझे कोन कट करना है, तो मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे मैं एक कोन कट करूँगा, ये कोन ऐसे टच करेगा नीचे तक, नीचे का मतलब है यहाँ पे नहीं करेगा, ये कोन यहाँ टच करेगा ऐसे, ये कोन नीचे वाली सरफेस को टच कर रहा है। तो देखो ये कोन है तो इसकी रेडियस ऐसे बोल सकता हूँ, देखो सर हमारे पास एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, उसकी जो डायमीटर होगी, जो क्या होगी डायमीटर, देखो रेडियस है ना, तो वो ऊपर वाले को टच करते हुए निकालेंगे ना, पूरा एकदम राउंड सर्कल बनाएंगे, दैट इज एज ऑफ क्यूब होगी। ओके सर, और इसकी हमें हाइट भी चाहिए, तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, देखो ऊपर से लेके नीचे तक, दैट इज ऑल्सो एज, यस दिस इज ऑल्सो एज ऑफ क्यूब। अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो क्या लिखूंगा, एज कितना है, एज बाय टू हो जाएगा ना, एज 9 है तो 9/2 हो जाएगा सेंटीमीटर, और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कितना बड़ा बाहर निकाल सकते हो, वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली अभी इसमें कोन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h, वैल्यू पुट कर दो भाई, 1/3 × π की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 9/2 × 9/2 इंटू एच 9, 3 से 3 9 कटा 3 टाइम और 2 से नंबर कट गया 11 टाइम, अब तो कुछ नहीं कट रहा भाई, 11 × 3 × 9 × 9 डिवाइड बाय 7 × 2, ऑब्वियसली कैलकुलेट ही करना होगा। तो भाई अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 2673 आता है ऊपर न्यूमरेटर और डिवाइड में आएगा 14, और अगर आप बेसिकली डिवाइड करोगे 190.93 सेंटीमीटर आएगा, 190.93 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आप किसी क्यूब से कुछ कट करोगे तो ध्यान रखना बस कि जो ऊपर सर्कुलर चीज़ बनेगी वो सर्कुलर स्क्वायर के चारों पॉइंट्स को टच करते हुए बननी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है स्क्वायर में, पॉसिबल है रेक्टेंगल में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों को कट कर ले, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 34। ए सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर और रेडियस है। हमने कहा देखो भाई हमारे पास सिलेंड्रिकल बकेट है, बकेट मतलब बाल्टी, ठीक है सर समझ गए। सिलेंड्रिकल बकेट की पहली बात तो रेडियस होती है, दैट इज 18 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विथ सैंड, इसके अंदर मिट्टी डली हुई थी। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। मतलब कॉनिकल तो कोन बन गया, या यहाँ पे लिख देता हूँ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड, कोन बना दिया तुमने, इसमें से मिट्टी बाहर निकाली और उसको उडेला, नहीं भाई ये सिलेंडर था इसमें मिट्टी थी,
इसको बाहर निकाला तो इधर कोन जैसा बन गया, तो वो कोन ऐसा बनता है इस टाइप से, ठीक है ना। ये तुम बेसिकली अगर नॉर्मल रिलेट कर पा रहे हो तो ज़रूर बनेगा, अदरवाइज तो समझ लो बात को कि सर कॉनिकल हीप डायग्राम से क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, इसकी हाइट हमें गिवन है दैट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस तो कैपिटल आर पता करनी है, और स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट का मतलब एल पता करनी है, दो चीज़ें पता करनी है। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके, तो हमें बेसिकली ये पता चल गया कि सर कॉनिकल बकेट में जितनी सेंड थी, मिट्टी थी, उतनी मिट्टी से कॉनिकल हीप बना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, या कौन बोल देता हूँ मैं समझने के लिए। तो यहाँ पे सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू 18 है तो 18 इंटू 18 हो गया, इंटू एच की वैल्यू 32 इक्वल टू 1/3 कैपिटल आर स्क्वायर पता है नहीं, इंटू 24। देखो 3 से नंबर कटेगा 8 टाइम, और आपको अगर आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, 18 × 18 × 32/8, और 8 से नंबर 4 टाइम कटेगा, और आर की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा भाई, 18 × 18 × 4 आएगा, और ऑब्वियसली मेरे बच्चे इसको 18 × 2 बोलेंगे, तो आर की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो एल का कोई रिलेशन है क्या, रेडियस लेंथ हाइट का कोई रिलेशन होता है कोण में, ऑब्वियसली सर एल इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो आर और एच लिए मैंने कैपिटल, क्योंकि इसमें आर और एच मैंने कॉनिकल में कैपिटल ले रखे। देखो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन रिपीट, क्लियर है ये बात तो, ठीक है ना। 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 576, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 1872 होगा, और अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो 12√13 आएगा, ठीक है। और एल की वैल्यू डेसिमल में दे रखी होगी, हाँ ये पीछे गलत है भाई, एल की वैल्यू आएगी 12 × √13, √13 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ बच्चा तो 3.61 आती है, तो 12 × 3.61 मेरे हिसाब से गलत तो नहीं है, 3.61 × 12 करेंगे तो आंसर 43.32 आती है, एकदम सही है पीछे भी, सॉरी ठीक है 14.32 सेंटीमीटर है, 27 दे रखा है कोई नहीं, अप्रोक्सीमेट तो सही चल रहा है। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 1872 निकालता हूँ तो 43.266 आ रही है, हाँ तब तो सही है यार, अंडर रूट 13 अलग नहीं करोगे तो डायरेक्ट निकालोगे तब तो सही है, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ रही है 43.266, जिसको मैं 43.27 लिख सकता हूँ। डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया तो मैं एक क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करके दिखाया था, दैट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड था वो बच्चा, लॉन्ग डिवीजन मेथड था। ओके क्लियर है भाई यहाँ तक, चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बोलेंगे हम कि क्लियर है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा क्वेश्चन है। रेन वाटर विच फॉल्स ऑन ए फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस, तो ऑब्वियसली फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस कैसी होती है भाई, तो पानी स्टोर करोगे तो रेक्टेंगुलर है मतलब बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर तो बेस रेक्टेंगल होने का मतलब कैसा बन गया भाई, क्यूबोइड। बेस अगर स्क्वायर होता तो क्या बनता है, क्यूब, तो ये क्यूबोइड शेप की बात कर रहा है। इसकी लेंथ तो स्मॉल एल की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है एंड ब्रिथ की वैल्यू 4 मीटर, ठीक है, और एच हमें पता नहीं। इस ट्रांसफर्ड इन टू ए सिलेंड्रिकल वेसल, ये जो पानी फिल हुआ छत पे, मान लो छत पे पानी फिल हो सकता है रेन वाटर, ठीक है, तो ये जो पानी फिल हुआ इसको तुमने कहाँ खाली कर दिया, सिलेंड्रिकल वेसल में खाली कर दिया, सिलेंड्रिकल वेसल में खाली कर दिया। तो इसने कहा है जिसकी इंटरनल रेडियस है तो भाई आर ले लेते हैं स्मॉल आर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल इफ रेनफॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर हैज फेल। अब ये कह रहे हैं कि पानी कितना फैल हुआ, फॉल हुआ 1 सेंटीमीटर, तो एच दे दी हमें, क्यूबॉइड जो शेप बनी थी उसमें पानी कितना फिल हुआ है, 1 सेंटीमीटर फिल हुआ है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है
कि बताओ कितना पानी उसके अंदर फिल होगा, एच की वैल्यू पूछ रहा है। कैपिटल एच लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, कितना कैपिटल एच। ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बात क्लियर है भाई सबको? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 22 बाई 7, क्वेश्चन ने कहा है 20 इंटू 20 इंटू एच, बस सोल्व करना है ना। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 20 इंटू 20। देखो अब इसको सोल्व करें तो एच की वैल्यू यहाँ पे मैं कैंसिल कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखना भाई, 4 से कटेगा 5 टाइम, 2 से कटेगा 3 टाइम और 2 से कटेगा 10 टाइम, ठीक है। और कुछ कट रहा है बट ये तो कुछ गलत नहीं कर लिया क्या अपन ने? सेंटीमीटर मीटर कुछ, एक बार रुको भाई, क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत लिख रखा हो शायद, 35 के क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत लिख दिया, 6 मीटर 4 मीटर और 1 सेंटीमीटर 20। हाँ एक बार इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ से एक चीज़ मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, क्योंकि गलत क्या लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया डायमेंशन पे, यही गलती तुम भी कर सकते हो। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर नहीं है, ओनली मीटर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा मीटर, यहाँ पे भी मीटर मीटर। एल की वैल्यू सेंटीमीटर में लिखने के लिए 600 सेंटीमीटर लिखोगे और बी की वैल्यू सेंटीमीटर में 400 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में। अब वैल्यू पुट करो, 600 इंटू 400 इंटू 1, बहुत कम पानी है ना, 22 बाई 7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू एच। अब वैल्यू एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 इंटू 400, 1 को छोड़ दो बट इंटू 7 आ जाएगा नीचे, 20 इंटू 20 इंटू 22, ऐसे लिख दिया। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और फोर से टू और टू फोर कैंसिल। अब टू से कैंसिल कर लो 11 और ये आ जाएगा 300 बचा, तो आपके पास एच की वैल्यू आ गई 300 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, कैंसिल तो होगा नहीं, डिवाइड ही करना होगा, 100 डिवाइड बाई 11। और अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूँ तो 190.90 सेंटीमीटर आ जाएगा, रिपीटिंग आएगा ना। तो एच दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, वाटर इन द सिलेंडर, हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 190.90 सेंटीमीटर। ओके ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अभी रेन वाटर की बात करेंगे अपन, पानी को सेव करना सीखेंगे। द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस ड्रेन इन टू सिलेंड्रिकल वसल, वापस से देखो डायमेंशन अलग अलग है तो रेक्टेंगुलर है, तो क्यूबॉइड की बात चल रही है, यहाँ पे हम वाटर को सेव कर रहे हैं जिसकी लेंथ हमें 22 मीटर है, ध्यान से डायमेंशन देख लेना, और ब्रीथ हमारी 20 मीटर, हाइट की बात नहीं कर रहा। सिलेंड्रिकल वेसल है तो सिलेंडर की बात चल रही है, तो यहाँ पे सिलेंडर है। हैविंग डायमीटर तो डी दे रखा है, दैट इज 2 मीटर बेस, एंड हाइट इज 35 मीटर, हाइट हमें दे रखी है 35 मीटर। इफ द रेन वाटर कलेक्ट फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंडर वेसल, इसमें से पानी इसमें डाला तो इसको फिल कर दिया, मतलब प्रॉपर पूरा फिल हो गया। फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर कि रेनफॉल कितना हुआ था, तो यहाँ से एच की वैल्यू ये पूछ रहा है आपकी बार तुम्हारे, पहले बताया था कि रेनफॉल इतना हुआ है तो सिलेंडर कितना भरा एच है ना। नाउ हमें यहाँ से रेडियस निकाल लूँ तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/2 दैट इज 1 मीटर, डेटा सब मीटर में, लास्ट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे जो मेरा एच लेना है, ये जो मैंने एच कंसीडर किया है बच्चा, ये उतना ही किया है जितना हमारा वाटर फिल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्मॉल ही है, और एच कैपिटल लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि यहाँ पे एच कैपिटल लगे तभी तो अलग चलेगा, एच वन ले सकते हैं वो अलग बात है। एच तो हो जाएगा 22 इंटू 20 इंटू 1 इक्वल्स टू 22 बाई 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 35, ये कटेगा 5 टाइम और यहाँ पे एच भी है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 इंटू 20 और कुछ नहीं है, नीचे आएगा 22 इंटू 5, 22 से 22, 5 से नंबर 4 टाइम,
एच की वैल्यू आ गई 4 मीटर, और हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। किसमें कन्वर्ट करनी है? सेंटीमीटर। कुछ गलत तो नहीं किया? यहाँ से देखो, हमने वैल्यू तो यार पुराने के अकॉर्डिंग पुट कर दी, वैल्यू गलत पुट कर दी अपन ने तो। मैं बताता हूँ कैसे, ये हटाओ पहले, यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी अपन। नहीं पकड़ में क्या बात? सुनो भाई, मैं बताता हूँ कैसे गलत पुट कर दिया। 4 मीटर नहीं आना चाहिए था। देखो एल की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 20, एच तो पता ही नहीं ना, तो 1 कहाँ से रख दें इसमें अपन। 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 35, ये 5 कट गया। आप तो आपके पास आया 22 इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल्स टू 22 इंटू 5। आपको एच की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 22 इंटू 5 डिवाइड बाय 22 इंटू 20। 22 से 22, 5 से ये कट गया 4। तो एच मीटर में है, 1/4 मीटर। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इसको 1 × 100/4 लिख सकता हूँ, है ना, 1 मीटर में। सो तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर। अभी आंसर आ रहा है गलत, आंसर क्या आ गया भाई लोगों? गलत आ गया। अब ये गलत क्यों आ गया वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ तो गलती की अपन ने, या फिर वैल्यू कुछ गलत ले ली अपन ने। ये हाइट 3.5 ही है क्या? ये चेक करने दो मेरे को, ये 3.5 है 35 है ये क्वेश्चन में? ओहो 3.5 है, गलत मिस प्रिंटिंग हो गई। यहाँ पे 3.5 रख लेंगे ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे 35/10 कर देते हैं, और 5 से नंबर 2 टाइम कट जाएगा, इधर आ जाएगा 5 की जगह, या इसको मैं 0.5 लिख लेता हूँ एक बार। चलो एक मिनट, सॉरी यार भाई, तो 1/2 है तो इसको हटा लेते हैं बस, बाकी सही है, सही है। 3.5 था बेटा, सॉरी, हो जाती है यार मिस प्रिंटिंग, मेरे को भी पता है। इस क्वेश्चन में, आज वाले वीडियो में कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ कर दी अपन ने, कोई नहीं, आगे से ध्यान रखूँगा। 1/2, अब मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 22 के नीचे 22 इंटू 20 इंटू 2 हो जाएगा, 22 से 22 कट गया, तो ये आंसर आ गया 1/40। मीटर में है तो सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 10/4 और इट इज़ 5/2 और इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। अब तो ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया है। सॉरी भाई लोगों, गलती हो गई यार, आगे से ध्यान रखेंगे यार, हो जाता है कभी कभी, है ना, कौन सा अपन बैठे यहाँ पे। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा आपके सामने, अब गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ ए कोनिकल फ्लैश इज फुल ऑफ वाटर, एक कोनिकल फ्लैश है ना, तो कोनिकल मतलब कौन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोनिकल फ्लैश की बात कर रहा है, फ्लैश दैट इज अवर कोन इज फुल ऑफ वाटर, द फ्लैश हैज बेस रेडियस, तो आर क्या है, स्मॉल आर, तो बेस रेडियस, तो मैं इसको आर बोल देता हूँ, कैपिटल आर एक बार, रेडियस बोल देता हूँ, दैट इज स्मॉल आर, एंड हाइट तो कैपिटल एच बोल देता हूँ, दैट इज एच। द वॉटर इज पोर्ड इन टू ए सिलेंड्रिकल फ्लैश, इसको आपने सिलेंड्रिकल फ्लैश में खाली कर दिया पानी को, ठीक है ना, पोर्ड मतलब खाली कर देना, उढ़ेल देना, तो सिलेंडर है ये, क्या अपना सिलेंडर, जिसकी बेस रेडियस, तो मैं इसको कैपिटल आर वन बोल दूँ एक बार, जो हमारी एम आर है, एम इंटू आर, एंड द हाइट ऑफ वाटर इज स्मॉल एच, ये हमें पता करनी है, ठीक है ना, फाइंड द हाइट, तो मैं बोल देता हूँ कैपिटल एच वन मुझे पता करनी है। तो ऑब्वियसली पानी खाली किया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बोलो या कोनिकल फ्लैश बोलो इज इक्वल्स टू किसके होगा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो आपको दोनों के फॉर्मूले आते हैं, पुट करो, इसको लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, एंड दिस इज पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच वन, देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम इंटू आर इंटू एच वन। देखो आपको एच वन की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना, 1/3 अलग है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा आर स्क्वायर इंटू एच, 3 नीचे ही रह जाएगा, और नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू कुछ नहीं, ना इंटू कुछ नहीं, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो एच वन हाइट ऑफ द सिलेंडर एच अपॉन 3m² हो गया, ये तो आंसर सेम आएगा अपना, एच इंटू 3m² यही आएगा, क्लियर है, तो फिक्स दिख गया मेरे को, एच अपॉन 3m² एकदम सही है। तो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो वाटर फिल होगा वो ये हाइट आएगी,
कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, थोड़े थोड़े 38 सॉरी 33 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं यार। ए रेक्टेंगुलर टैंक 15 मीटर लॉन्ग एंड 11 मीटर ब्रॉड इज रिक्वायर्ड टू रिसीव इंटायर लिक्विड कंटेंट्स फ्रॉम ए फुल सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ इंटरनल डायमीटर दिस एंड हाइट दिस। फाइंड द लीस्ट टाइप द टैंक दैट विल सर्व द पर्पज। देखो आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ध्यान से देखना, रेक्टेंगुलर टैंक, जिस रेक्टेंगुलर टैंक की लेंथ 15 मीटर है और ब्रॉड ने मतलब ब्रिथ 11 मीटर है। आप इसके अंदर एक लिक्विड डालना चाहते हैं जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में पहले से भरा हुआ है, सिलेंड्रिकल टैंक में फिल है पहले से। उस सिलेंड्रिकल टैंक की इंटरनल डायमीटर, तो डायमीटर गिवन है दैट इज 21 मीटर और उसकी हाइट दैट इज कैपिटल एच में ले लेता हूँ इज 5 मीटर। तो यहाँ से आप रेडियस निकालेंगे और वो आएगी 21/2 मीटर। मतलब इस टैंक में जो पानी ऑयल है वो इसमें डालना चाहते हैं लिक्विड, तो इसमें कितनी हाइट तक वो फिल हो जाएगा ये बताना है तुम्हें। रिक्वायर्ड हाइट, लीस्ट हाइट, कम से कम हाइट, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर टैंक कैसा होगा क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल टैंक मतलब सिलेंडर, बस वैल्यू पुट कर दो। इसमें लिखोगे एल इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। तो 15 इंटू 11 इंटू एच स्मॉल एच और इट इज 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 5 लिख देता हूँ। देखो 7 से नंबर 3 टाइम कटेगा और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो एच की वैल्यू निकालनी है, दोनों नंबर डिवाइड में आएंगे और ये ऊपर है वो ऊपर, नीचे हैं वो नीचे ही रहेंगे। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 5 डिवाइड बाय 15 इंटू 11 इधर आए और पहले से कौन कौन था, 2 इंटू 2 पहले से था। देखो 5 से और 3 से 15 कट गया, 11 से नंबर 2 टाइम कट गया और 2 से नंबर 2 कट गया, बस और क्या बचा। तो आपके पास आंसर आया 21/2। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 38 चल रहा है, अपना ध्यान से सुन लो। तो 21/2 कितना होता है, 10.5। तो आंसर आ गया 10.5 मीटर। तो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक लीस्ट हाइट इज 10.5। अगर इतनी होगी तब वो पूरा सिलेंड्रिकल टैंक उसमें खाली कर लेगा, लिक्विड को फिल कर लेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ए स्मेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस, तो बॉल है, बॉल मतलब समझ रहे हो, हेमी स्पेरिकल बोला है इसने, तो ऐसा है भाई ये बॉल है, हेमी स्पेरिकल बॉल, ध्यान से हेमी स्पेरिकल बॉल बाउल। तो इसकी इंटरनल रेडियस तो स्मॉल आर ले लेते हैं, एक्सटर्नल होती तो कैपिटल आर ले लेते हैं। इस फुल ऑफ लिक्विड, इसमें लिक्विड है, दिस लिक्विड इज टू फिल इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स। तो यहाँ पे आपके पास सिलेंड्रिकल शेप की स्मॉल बॉटल्स हैं, कितनी है ये पता नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है बॉटल्स हैं, उन बॉटल्स में फिल करना है आपको इसको, जिनमें ईच रेडियस, तो मैं बोल देता हूँ स्मॉल आर वन इज 3 सेंटीमीटर और उनकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी बॉटल्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बाउल, कि इसमें से पानी उन बॉटल्स में डाल रहे हो तो कितनी बॉटल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो आपको पता है जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसमें जिसको फिल कर रहे हो उसकी वॉल्यूम कम होगी तो उसका डिवाइड कर देते हैं। तो बॉटल सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट चाहिए और हेमी स्पेयर की वॉल्यूम 2/3 होती है ना, यस। तो नंबर ऑफ बॉटल्स जो रिक्वायर्ड होंगी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेरिकल बाउल, हेमी स्पेरिकल बाउल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल बोल सकता हूँ, या मैं एक बार सिलेंडर लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ ये वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर, ठीक है, डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर दैट इज आर वन स्क्वायर इंटू एच। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया और तो कुछ हुआ नहीं, तो 2/3 आर क्यूब मतलब 9 × 9 × 9 डिवाइड बाय आर वन स्क्वायर इज 3 × 3 × 4। देखो 3 से 9 कटा 3 टाइम और इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से 9 कटेगा 3 टाइम और ये 2 से नंबर कटेगा 2 टाइम। तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ बॉटल्स, ये कुछ तो गलत आया है, कुछ तो गलत कर दिया अपन ने, इट इज़ 3 × 9/2 आया है जो अपना गलत है।
ना, जो अपना बेसिकली गलत है, कुछ तो मिस्टेक अपन से हो गई, क्योंकि नंबर सॉरी नंबर हमेशा होल नंबर आना चाहिए ना, नेचुरल बोल सकते हैं कि नेचुरल आए या फिर होल नंबर आए। हमने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर ली भाई, इसने डायमीटर दिए 3 मीटर, तो हमने इसको रेडियस ही ले लिया, तो यहाँ पे ये डायमीटर है और यहाँ से रेडियस कितनी हो जाती, 3/2 हो जाती, तो मैं यहाँ पे 3/2 3/2 लिखूँ तो 1 2 से 2 कट जाएगा, खत्म है ना, और ऊपर 2 बच जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ बोटल्स जब निकालोगे तो बच्चा लोग नंबर ऑफ बोटल्स क्या आएंगे देखो, ऊपर वाला 2 छोड़ लो ऐसे कैसा, और इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया अपन ने, तो ऊपर तो बच गया 2 × 3 और × 9 बच गया बस, और नीचे सब कैंसिल हो गया, तो 6 9 = 54 बोटल्स, इतनी बोटल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर है? बस ध्यान रखना ये छोटी मोटी गलतियां जो मैं कर रहा हूँ वही तुम कर दो बाई चांस, है ना, हो जाता है कभी कभी, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा आपके सामने, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ए सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर ऑफ टू ए डेप्थ 20 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल टब है आपके पास, समझ रहे हो, सिलेंड्रिकल टब है ना, उस सिलेंड्रिकल टब की रेडियस गिवन है भाई, रेडियस आर दैट इज 12 सेंटीमीटर, और वो कितना डीप है 20, तो इसका मतलब उसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। ए स्पेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टब उस, अरे वाह कितना क्वेश्चन है, एंड द लेवल ऑफ द वाटर इज रेज बाय 6.7 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉल। देखो आपके पास ये सिलेंड्रिकल टब था, मान लेते हैं ये सिलेंड्रिकल टब अपना यहाँ तक फिल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक फिल है, तुमने क्या इसमें वाटर डला हुआ था, ठीक है ना, वाटर था, पानी है इसके अंदर, अब इसके अंदर तुमने क्या कर दिया, स्पेरिकल बॉल बॉल डाल दिए, कितने डाले तुम्हें नहीं पता है ना, बट उसने कहा है स्पेरिकल बॉल एक ही है, तो इसमें एक स्पेरिकल बॉल डाल दी, ये डाल दी, तो ये पानी थोड़ा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, तो ये पानी मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, तो ये जो हाइट है ये हाइट बता दी हमें, द लेवल ऑफ द वाटर रेज बाय 6.7 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल, इस बॉल की रेडियस निकालो। तो देखो जितना पानी ऊपर गया है ना वो किसकी वजह से गया, बॉल की वजह से, तो इतनी स्पेस उसने ऑक्यूपाई की है, तो दिस स्पेस जितना पानी ऊपर गया दैट मच स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉल, स्पेरिकल बॉल, तो मैं बोल सकता हूँ ये स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब जितना ऊपर गया दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, बस ये समझना है। अब इसको करने के तरीके अलग अलग है, कुछ स्कूल में या कुछ तरीके ये भी है कि पहले इतना था हमारा सिलेंडर, अब बॉल डालने से वो सिलेंडर इतना हो गया, बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सिलेंडर बढ़ गया ना, उसकी हाइट बढ़ गई, पहले एच थी और अब वो एच वन हो गई, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उसको बोल देता हूँ एच वन, तो इंक्रीज इन द हाइट, तो इन दोनों की वॉल्यूम में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स, तो मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं डिफरेंस डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, दोनों तरीके पता होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर दोनों से आंसर सेम आएगा बच्चा, चेक कर लो, करवा के दिखा देता हूँ, सुनो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं इस कॉन्सेप्ट से कराता हूँ पहले, दो सिलेंडर वाले से, तो पहले वाले सिलेंडर की हाइट क्या है 20 और इसकी रेडियस क्या है 12, दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट क्या है एच वन, देखो क्या होगी एच प्लस 6.75, दैट इज 20 + 6.75, इट इज 26.75 H1, और रेडियस R1 कितनी है नए वाले सिलेंडर की, सेम रहेगी 12 सेंटीमीटर, तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड द बॉल या विथ बॉल बोल सकते हैं, तो दो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ C1 सिलेंडर 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये निकालना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, और मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ वो देख लेना, दोनों सेम ही आएगी, डायरेक्ट भी बताएंगे, ये पूरी लाइन में डायरेक्ट करके दिखाऊंगा तुम्हें, तो वॉल्यूम ऑफ C1 क्या हो जाएगी, पाई R1² × H1 माइनस पाई R² × H, तो मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और R1 भी कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में R1 और R इक्वल है, तो पाई R² तो कॉमन ले लो, ये तो समझ में आ रहा है ना, R1 और RH क्यों है, क्योंकि सिलेंडर तो वही है, सिलेंडर की ऐसे थोड़ी ना बोल डालने से रेडियस बढ़ गई, तो पाई R1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो R1² बाहर निकाल लिया, तो H1 - H आ गया,
ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ यार, ना तो बोल दो यार। तो पाई 22/7 इंटू आर वन स्क्वायर, आर वन कितना है भाई, आर वन आपका 12 है, तो 12 स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा, 26.75 - 20। बेटा यही पूरा फॉर्मूला मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि जितना इंक्रीज हुआ वो भी तो सिलेंडर फॉर्म में इंक्रीज हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ, वो भी तो सिलेंडर फॉर्म में हुआ। तो मैं वही सिलेंडर की तो वॉल्यूम तुम्हें निकालने के लिए कह रहा था, और वही ये है, देख लो ये फॉर्मूला वही निकलेगा। रेडियस 20 है और हाइट कितनी है, 6.75। इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालोगे तो यही तो निकल के आएगी, देख लो पाई आर स्क्वायर, तो 12 लिख दिया, हाँ 12 आर है 12, तो 12 स्क्वायर इंटू 6.75 आती हाइट। तो ये देख लो इन दोनों का डिफरेंस 6.75 है कि नहीं। तो हम डायरेक्ट समझेंगे आगे से कि जब भी किसी चीज़ में कुछ डालेंगे तो वो वॉल्यूम ऊपर होगी, जितनी वॉल्यूम ऊपर होगी वो किसकी वजह से होगी, जो चीज़ उसमें डाली है बस। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये लाइन याद रख लेना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर है क्या, वाटर इंक्रीज बाय बॉल या स्पेरिकल बॉल, स्पेरिकल बॉल इन सिलेंडर। बस ये समझनी है, ये समझनी है, सिलेंड्रिकल टब लिख देता हूँ मैं पूरी लाइन, ये लो सिलेंड्रिकल टब। ये लाइन समझ में आ जानी चाहिए, देखो तो ये समझना जरूरी है, समझोगे तो क्वेश्चन इजी लगेंगे, अदरवाइज तुम्हारे को भाई साहब ये समझे नहीं, इमेजिनेशन नहीं हुआ तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है फिर, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ, दैट इज 22/7। अब मुझसे ना ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, बस ये बता दो, ये वॉल्यूम इक्वल होगी स्पेयर, तो स्पेयर का फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा और रुको एक मिनट। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल निकालनी होती मेरे को तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, हाँ सर है, लिखो फॉर्मूला क्या है सर, स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, ये आर है, आर है, और मैं इसकी वॉल्यूम बोल देता हूँ, और रेडियस दे रखी है मेरे को, ड्रॉप नहीं है, आर ले देता हूँ है ना, बस तो आर ही ले ली मैंने उसको, आर वन ले लेता हूँ, चलो क्या ले लेता हूँ उसको मैं, आर वन क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जो आर कौन सा है, जो इंक्रीज हुआ है, ये आर रेडियस, सॉरी आर तो वही रहेगा 12, आर तो 12 रहेगा, तो आर स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा, जितना इंक्रीज हुआ है 6.75, तो इंटू एच, ये ध्यान रखना बस, आर तो वही रहेगी जो एच लोगे ना तुम सिलेंडर की, जो इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ से पाई कैंसिल कर दो और वैल्यू पुट कर दो, तो आर वन क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब 12 × 12 इंटू एच की वैल्यू 6.75, और इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा, बस 4 × 3 = 12। थोड़ी सी कैलकुलेशन है समझ लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर वन क्यूब इक्वल्स टू 12 × 6.75 × 3 × 3, डिवाइड में कुछ नहीं है तो बस नीचे 100 आ जाएगा। अच्छा ये कहाँ से आ गया, मैंने कहा डेसिमल रिमूव कर दिया, देखो 24 से कैंसिल किया मैंने तो इसको, ये तो हुआ 4 टाइम, 24 से मैं 25 से इसको कैंसिल करूँगा, तो 4 6 = 24, 6 = 24 + 3 = 27 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप फर्दर इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं सर है ना, हाँ आगे भी कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको 5 से करता तो भी नहीं करता ना मैं, एक बार रुक जाओ, 6.75 में 25 का डिवाइड कर देता हूँ, 6.75 / 25 मैंने किया था वो सही, हाँ 27 सही आंसर है, आंसर 27 सही है। अब बस ये चेक कर लो कुछ गलती नहीं करती हो अपन ने, ठीक है ना, हाँ कुछ गलती तो नहीं की, नहीं बस ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इस 12 को कैंसिल कर देता हूँ 3 टाइम, बस खत्म कहानी, तो आंसर आया 3 × 27 × 3 × 3। अब देखो 3 × 27 को 3 × 9 लिख लेता हूँ, × 3 × 3, बस ये आर वन क्यूब है, और आर वन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो 1 2 3, तो 1 3 आ गया, 9 × 3 में 3 3 है, 1 3 और आ गया, तो आंसर आ गया 9, आर वन की वैल्यू क्या आ गई 9, और सेंटीमीटर में, तो उस स्पेरिकल बॉल की रेडियस क्या है 9। ये पूरी बात पढ़नी नहीं है, ये सॉरी नीचे वाली तो पढ़नी है, नीचे वाली तो पढ़नी है, ये ऊपर वाली जो बात है एक बार वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा कि मैं इस पूरी कॉन्सेप्ट से क्या समझाना चाह रहा था तुम्हारे को, हमें बस फर्दर यही बात याद रखनी है लास्ट वाली, कि जितनी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है वही वॉल्यूम किसकी है, जो चीज़ उसमें डाली है, बस
ये समझना है। इंक्रीज कैसे शेप में होगी, जैसे शेप में पहले से है, तो सिलेंड्रिकल शेप में तो वॉल्यूम इंक्रीज किस में हुई, सिलेंड्रिकल में। क्यूबॉइड शेप में होती तो वॉल्यूम किस में इंक्रीज होती, क्यूबॉइड शेप में। बस इतनी बात समझ गए। देखो हर एक क्वेश्चन के लिए, हम ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग, मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कोई चीज़ किसी के अंदर डालोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ये सबको पता है। तो वो वॉल्यूम कितनी होगी, जितनी चीज़ उसमें डाली है। तीन बोल डालते तो तीन वॉल्यूम, तीन बोल की वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है। ठीक है, चलो फिर आज यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन में नेक्स्ट बातें करेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।